भोजपुरी सितारों को क्यों कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। जी हाँ, मोदी की कैबिनेट में कोई भी मंत्री पद भोजपुरी सितारों को नहीं दिया गया, फिर वो चाहे रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, क्योंकि ये दोनों जीत कर आए थे तो संभावित चेहरों में इनका नाम भी गिना जा रहा था कि हो सकता है कि मोदी के कैबिनेट में इन्हें जगह मिले और इन्हें किसी मंत्री पद का भार मिले, लेकिन इन सभी को कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि कैबिनेट का जब विस्तार हो तो रवि किशन और मनोज तिवारी को मौका दिया जाए, लेकिन मनोज तिवारी की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं क्योंकि वो काफी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा तो उन्हें कोई ना कोई मंत्री पद जरूर मिल जाएगा। यहां आपको बता दें कि मनोज तिवारी का लोकसभा चुनाव जीतना उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक लेके जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो मुख्यमंत्री के तौर पे, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोज तिवारी का नाम सबसे ऊपर होगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से मनोज तिवारी ने सक्रियता दिखाई है, उस सक्रियता को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार उन्हें निराश तो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ सभी को उम्मीद थी कि रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी किसी न किसी को कोई न कोई पद जरूर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन हाँ, आने वाले भविष्य में ये संभावनाएं बन सकती हैं कि जब कैबिनेट का विस्तार हो तो कोई न कोई मंत्री पद इन दोनों में से किसी एक को मिले। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।